राइट तो है, लेकिन क्या नाम है ये कोई वो थोड़ा है कोई जलसा जुलूस की ऐसी बात थोड़ी, जैसे इतने आदमी क्या जरूरत थी, एक आदमी दे दे, कभी कोई कभी कोई समस्या ही है, एक बार आपने टेलीफोन किया फौरी पहुंचते हैं, तो इसमें इतनी बड़ी बात है, कोई नारे लगाते नहीं आए हैं ना, तो नारे लगाओ, नारे उसमें क्या लगाया, नारा हाँ बताओ, नारा नहीं लगाया गया, हम चार व्यक्ति जाएंगे अपनी मांग देना चाह रहे, उसमें गलत क्या, उसमें गलत क्या, हमें क्यों धमका रहे हो, फ्रीक्वेंटली धमका नहीं रहे थे आपको, जो पीड़ित था फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं जी, वहाँ पर फ्रीक्वेंटली होते हैं, निश्चित करते हैं ना, पहले चौकी थी वहाँ पे, तुरंत कार्रवाई होता थी, जल्दी कार्रवाई, हमारे कर्मचारी ये मालिक है जिला के, इनके संज्ञान में लेना, पढ़ावा जी दूसरे ने किसने पढ़ावा, ये किसने सिखावा हमें, ये तो बताओ ना, ये दे दो आप मास्टर जी को, सारे प्रोफेसर हैं, सबकी में एक भाव ले लिया, एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारा मास्टर नहीं है, आप एक बात को समझने की कोशिश करो, इतनी किसी कोई भीड़ दिखाने की आवश्यकता नहीं, भीड़ नहीं जी, हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, आप बताओ, हम दिखाएंगे जी अपनी स्ट्रेंथ, दिखाने की जब जरूरत है, जब आप क्यों अग्रेसिव हो रहे हो, क्यों कर रहे हो आप, जाने दो, मैं मिलाऊंगा आप, बैठो आप, वो गर्दन तोड़ देते हैं, बुरा हाल था, गर्दन तोड़ देते हैं, उसकी गर्दन टूटी हुई आधी, तो 5 मिनट में उसको होता है, मतलब एक आदमी कैसे कहे ये बात, बहुत दुख की बात है, एक आदमी ने वही बात कहनी होती है, नहीं फर्क होता है, ना ना ना, कभी बात सुने, लोग बैठे हैं 2 साल तक, संगठन का फर्क होता है, संगठन का, संगठन का फर्क होता है, संगठन ऐसा है, यहाँ पर एक आदमी सिंगल अकेला आ जाए, जब भी वही सुनवाई होती है संगठन के दबाव में किसी को, सारे आंदोलन एक आदमी आए वही सुनवाई होती है, मैं बुलाता हूँ, बैठो आप, बुलाओ रास्ता छोड़ो, फिर यूनियन ही क्यों बनती है, अगर एक आदमी से काम चलता तो आंदोलन सिखाएगा, क्या कारण है ये बाहरी तत्व कॉलेज में घुसते हैं, और चौकीदार जो हमारे सौमीर जी उनको रोक रहे थे, और रोकने पे बाहर के जो ऐसे तत्व थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, नीचे गिरा के उनकी गर्दन पे काफ़ी चोट पहुंचाई गई है, जो कि हॉस्पिटल भेजने पड़े, हमें ले जाने पड़े, और इस तरीके से बाहरी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम पुलिस को इस बारे में मेमोरेंडम देना चाहते हैं। कब की घटना है सर ये? कल लगभग 1:30 बजे के आसपास की घटना, दोपहर। पहचान हो पाई है, सीसीटीवी फुटेज कुछ है? हाँ, पुलिस लगी हुई है और पहचान हो जाएगी, उसमें प्रयास जारी है पुलिस के, जो हमें बताया गया है। तो स्टूडेंट थे कि या बाहरी तत्व थे? स्टूडेंट नहीं थे, विद्यार्थी के शायद ऐसा बताया गया कि विद्यार्थी के साथ आया हुआ, आने की कोशिश में था, घुसने की कोशिश में, वहीं पे रोकना चाहा उसको, अंदर नहीं घुसा था, वहीं पे मारपीट हुआ गेट के ऊपर ही। तो कॉलेज में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसे पहचान तो होगी साफ? हाँ, उसमें देखा गया, आज सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, वो पुलिस को हैंड ओवर की जाएगी और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई चाहेंगे हम। तो कितने युवक थे सर उसमें? 2 की संख्या उसमें थी। तो फिर रोष प्रकट के आज जो सड़क पर उतरे आप किसको? क्योंकि आउटसाइडर इस तरीके की अलग प्रैक्टिस, ये बैड प्रैक्टिस है संस्थान में आउटसाइडर्स का घुसना और हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट करना, इससे भय का माहौल पहुंचता है, शिक्षा के मामले में हमें अगर भय से जीना पड़ा तो ये बहुत बुरी बात है, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी कर्मचारी नहीं कर पाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में मुस्तैदी से जो आउटसाइडर जाते हैं उनको रोके। आपको शुभ नाम सर? मेरा नाम सत्यवान मलिक। धन्यवाद सर। कितने मारे सर?